दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद, जीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खास खबर। यूपी के देवरिया जिले में ग्राम प्रधान ने दबंगई दिखाते हुए पंचायत नहीं मानने पर एक ही परिवार के 5 लोगों को पीट पीट कर लहू लुहान कर दिया। जी हां, हम आपको बताते चलें कि यह घटना देवरिया कोतवाली के पंसरही गाँव की है, जहाँ एक ही परिवार के एक एक सदस्य को जहाँ पाया वही मार पीट कर लहू लुहान कर दिया गया। देवरिया कोतवाली की पुलिस भी पीड़ित परिवार के ऊपर मुकदमा दर्ज कर चुकी है। पीड़ित परिवार का कहना है, हमारे गांव के प्रधान श्रीकांत यादव अपना ट्राली ट्रैक्टर और जेसीबी हमारे घर के सामने लगा देते थे और धुलाई करते हैं, जिससे सारा नल और नाली का पानी पीड़ित के दरवाजे पर लग जाता है। पीड़ित ने इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से की तो ग्राम प्रधान भड़क गए और पीड़ित को मारने पीटने लगे। पीड़ित परिवार को विश्वास था, बीजेपी सरकार में हमें न्याय मिलेगा, लेकिन गरीबों के लिए यह सरकार भी वैसी ही निकली। परिवार पूर्व सरकार की गुंडई देख लोगों में दहशत बनी हुई थी, तो वहीं लोगों में एक उत्साह था कि बीजेपी सरकार से लोग आस लगाए बैठे थे कि हम सब गरीब को बीजेपी सरकार में न्याय मिलेगा, लेकिन यहाँ सब उल्टा ही हो गया। सरकार में तो सरेआम लूट, हत्या, बलात्कार चरम सीमा पर हो रही है। सीएनएन न्यूज के लिए उत्तर प्रदेश से अमित राजपाल की रिपोर्ट। ये हुआ था कि मेरे मम्मी के पहले मारे थे। मेरे मम्मी जब मैं देखूँ कि मेरे मम्मी के मार रहे हैं, जब गए छुड़ाने के लिए तो मेरे मम्मी के हमको भी मारने लगे। मेरे मम्मी को, मेरे पापा भी आए, मेरे पापा के सिर पर मतलब मार दिए, बेहोश हो गए मेरे पापा। तो हम लोग भागे घर में, तो घर में भी पकड़ कर मेरे को मार दिया। हाँ, घर में घीच के मेरे को मार, मेरे भाई नहीं था, मेरे छोटा नाम था, वो प्रिंस नाम था मेरे भाई का। और कौन थे मारने वाले? मारने वाले कन्हैया यादव थे और ऋषिकेश यादव थे। और कि प्रधान ने हमको फोन करके बुलाया और कहा कि 2 मिनट में चले आओ, हम खेत में काम कर रहे थे। मैं आया तो मैं देखा तो मेरी फैमिली को मार रहे थे, मेरी फैमिली को ढकल दिए, उधर मारने लगे। तो मैं बोलने पर मेरे ऊपर भी प्रहार कर किए और मेरी पलान को उजाड़ कर अलग मारने हमको भी हमारे हम जब आए तो हमको जब मारने लगे तो हमारे मान लीजिए लड़के लड़का लड़की आए तो लड़की ने छुड़ाना शुरू किया तो लड़की को मारने लगे पलानी उजाड़ के। बांस और बम्बू लेकर उधर से लाठी डंडा लेकर आए थे। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी लड़की भागे ऊपर तो खींच कर उन लोगों ने मेरी लड़की को भी मारा घर के अंदर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभुनाथ कुशवाहा है। कहाँ का? चकरवा धूस पंसर ही कराने वाले हैं। अच्छा, झगड़ा किस लिए हुआ था? झगड़ा इसलिए हुआ था, वो टाली बीच में लगाए थे सब, रोड के बीच में लगाए हुए हैं, उधर डोजर भी डाले हुए हैं खड़ंजे पे। और तो हमने किया पहले समझौता हुआ था, पहले आया था, खड़ा था, हम छाटी डाल रहे हैं। छाटी डालने के बाद इसी हमारे मालिक को फोन करने लगा, 3-4 बार फोन कराए तो मालिक खेत में से भिंडी तुमने छोड़ के आए हैं, हम हमारी बात पर हमारे हाथ छोड़ रहा है प्रधान। ये क्यों बोलते हैं? ललिता क्या नाम है उनका? ऋषिकेश। क्या है वो? ग्राम प्रधान है। आप लोगों पर इतना ही पर मारने लगे? हाँ, हमको हाथ छोड़ दिया तो मेरा मालिक हमको पकड़ने लगा तो मेरा मालिक को कपार फाड़ दिया मार कर। क्या हुआ, कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। खाना तुदा सब में गए हैं, कुछ भी नहीं था, आज भी कुछ भी नहीं करे हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मुकदमा लड़ने, अब नहीं उसको अरेस्ट कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाएगा तब पता चलेगा। और न क्या नाम है आपका? ललिता। ललिता देवी। कहाँ के रहने वाली हैं आप? पंसरही। चक्रवा धूप पंसरही। चक्रवा धूप पंसरही।